जय श्री स्वामीनारायण। विद्यार्थी मित्रों, श्री सजानंद गुरुकुल संचालित श्री पुरुषोत्तम विद्यालय मानकुआ ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज विषय हिंदी कक्षा 8, उसमें आज हम एक पाठ पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, मनुष्य है वो बहुत ही महत्वाकांक्षी है कि उनकी नज़र आसमान की ओर गई तो अंतरिक्ष के रहस्य को जानने की उनकी इच्छा हुई। तो उनको जानने के लिए कई देश के युवक है वो अंतरिक्ष में गए। हमारे भारत देश में भी जो पहले प्रथम जो पुरुष अंतरिक्ष यात्री थे वो थे राकेश शर्मा के, जो अंतरिक्ष पर गए थे, और प्रथम महिला कल्पना चावला जो अंतरिक्ष यात्री बनी थी, कि वहाँ के रहस्य को जानकर धरती पर लाना, उनके रहस्य को जानना। लेकिन हमारी जो कल्पना चावला जो प्रथम अंतरिक्ष यात्री महिला थी, कि जब वो अंतरिक्ष से वापस लौट रही थी, तब लौटते समय एक दुर्घटना में वो बेचारी चल बसी, तो वह हमारी कल्पना बनकर रह गई। लेकिन उनके विश्वास को, उनके दिव्य स्वप्न को पूरा करने के बाद भारतीय मूल की दूसरी महिला सुनीता विलियम्स के, जो भारतीय मूल की है, कि उन्होंने अंतरिक्ष यात्री का सफ़र करके वहाँ के रहस्य को जानकर सुरक्षित वापस सही सलामत धरती के ऊपर लौटकर उन्होंने भारत का गौरव बढ़ाया। तो आज हम सुनीता विलियम्स के बारे में जानेंगे, जो भारत की दूसरी अंतरिक्ष यात्री महिला थी, कि उनके जीवन के बारे में जानेंगे। इसलिए आज का जो पाठ है उसका नाम ही यही है कि अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स, उनके लेखक डॉक्टर कोकिला पारेख। तो आइए डॉक्टर कोकिला पारेख का हम जीवन परिचय जाने। तो डॉक्टर कोकिला पारेख का जन्म सन 1954 में गांधीनगर में गांव उवासद में उनका जन्म हुआ था, कि उन्होंने एमए, एमफिल और विद्यावाचस्पति यानी कि पीएचडी, कि उन्होंने गुजरात विद्यापीठ में शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया है, साथ ही साथ उन्होंने अध्यापन के साथ समाज सेवा का कार्य भी उन्होंने किया है, और हिंदी के प्रचार प्रसार में भी उनका योगदान अच्छा रहा है, कि महिला जागृति में भी उन्होंने अच्छा कार्य किया है। कि ऐसे थे डॉक्टर कोकिला पारेख, कि आजकल वे अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में विद्यापीठ में रीडर के ऊपर कार्यरत हैं। तो ये थे हमारे डॉक्टर कोकिला पारेख का जीवन परिचय। अब हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं, अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स, तो इस पाठ में है क्या? तो इस पाठ में सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष में जाने की तीव्र इच्छा, उनका बचपन, उनका जन्म, और अंतरिक्ष में जाने के लिए परीक्षण और प्रशिक्षण, और जो भारतीय जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनके लिए प्रेरणा और प्रोत्साहनदायक वो बनी रही है, तो इनका वर्णन इस पाठ में किया गया है। तो चलो आइए हम ये पाठ पढ़ते हैं। कि 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा, कि 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद के हवाई अड्डे पर, हवाई अड्डा यानी कि एयरपोर्ट, वहां पर एक हवाई जहाज उतरा, और हवाई जहाज जहां पर उतरा तो उसमें ऐसी उत्तेजना हुई जैसे अंतरिक्ष से कोई यान है वो धरती पर आया हो, ऐसी उत्तेजना थी। उत्तेजना यानी कि एक शब्दार्थ है उत्तेजना। आवेश के अंतरिक्ष से धरती पर लौट के समय जो उत्तेजना होती है, वैसी ही उत्तेजना यहां पर अहमदाबाद के हवाई अड्डे पर देखने को मिली। के अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी। अटलांटिस यान यानी कि स्पेस शटल, हम जानते हैं कि स्पेस शटल जब धरती अंतरिक्ष से धरती पर आता है तब लोगों को व्याकुलता होती है कि वो सुरक्षित यहां पर पहुंचा है।
तो उतनी जो खुशी होती है वैसी खुशी यहाँ पर एक हवाई जहाज जो अमेरिका से जो भारत आया था, तो लोगों में ऐसी उत्तेजना थी, आवेश था कि इसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान, विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। यहाँ पर सुनीता विलियम्स को विश्व की बेटी कहा गया है, क्योंकि विश्व है वो किसी एक देश का नहीं है, वो अनेकों देश का है। इसीलिए यहाँ पर सुनीता विलियम्स को विश्व की बेटी कहा गया है। कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, कि आजकल के महिलाएं देते हैं वो किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, उनमें इतनी योग्यता है कि वो बड़े से बड़े पद के ऊपर आसीन हो सकती है। इसीलिए हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। ये प्रश्न आपको पूछा जाता है कि हमें नारी का सम्मान क्यों करना चाहिए। हमें नारी का सम्मान इसलिए करना चाहिए क्योंकि उसमें ऐसी योग्यता है कि वो ऊंचे के ऊंचे पद के ऊपर आसीन हो सकती है, वो किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। इसलिए हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। कि परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की जो क्षमता है वो आज की नारी में है। यहाँ पर एक मुहावरा है कि परंपराओं की बेड़ी तोड़ना, परंपराओं की बेड़ी तोड़ना। तो इसका अर्थ होगा पुरानी व्यवस्थाओं को छोड़कर नई व्यवस्था को अपनाना। तो पुरानी व्यवस्था को छोड़कर छोड़कर नई नई व्यवस्था को अपनाना। कि पुरानी परंपराओं को छोड़कर नई परंपरा है उसे अपनाना। फिर कहते हैं अस्तित्व को साकार रूप देना। अस्तित्व यहां पर एक शब्द है, अस्तित्व, अस्तित्व यानी कि हस्ती, हमारी जो पहचान होती है हस्ती होती है। तो यहां पर अस्तित्व को साकार रूप देना यह भी मुहावरा है, अस्तित्व को साकार रूप देना यानी व्यक्तित्व को निखारना, व्यक्तित्व को निखारना। तो यहां पर आज की महिलाएं हैं वो अपने व्यक्तित्व को निखार सकती है, नई व्यवस्था को अपनाकर पुरानी व्यवस्था को छोड़ सकती है। फिर कहते हैं कि युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। हम जानते हैं कि प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला, उसके बाद जो अगर नाम जुड़ता है तो वो है सुनीता विलियम्स। कि सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया और सफल होकर वापिस आई। कि उन्होंने भारत का गौरव बढ़ाया के अंतरिक्ष से सुरक्षित वो वापस लौट आई। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है। के कल्पना चावला है वो प्रथम महिला भारतीय अंतरिक्ष यात्री है। के दुख की बात यह है कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। बुलंदी यानी कि ऊंचाई, हौसला यानी कि हिम्मत, हिम्मत की ऊंचाई को छूकर वो हमारी कल्पना बन गई। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं कि जब कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई तब लौट के समय कुछ स्पेस में जो स्पेस शटल है उसमें कुछ खराबी आ गई। तो जैसे वो लौट रही थी तो उसमें दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। उनके साथ साथ सात लोग शहीद थे, वो भी उसमें दुर्घटना में मारे गए। तो हमारी कल्पना है वो कल्पना बनकर रह गई। के कल्पना के स्वप्न को, खुद के दीवा स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम पर पहुंची है। दीवा स्वप्न, दीवा स्वप्न किसे कहेंगे? दीवा
दीवा स्वप्न। दीवा स्वप्न यानी कि दिन में दिखाई देने वाला सपना। दिन में दिखाई देने वाला स्वप्न उसको कहते हैं दीवा स्वप्न। तो यहां पर सुनीता ने दीवा स्वप्न देखा और अपने मुकाम को, मुकाम यानी कि लक्ष्य के तक वह पहुंची थी। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है, परंतु उसके नाम के पीछे विलियम्स लगता है तो हमें यह प्रश्न जरूर उठता है कि वो भारतीय कैसे हो सकती है, क्योंकि उसके नाम के पीछे तो विलियम शब्द लगता है, विलियम्स नाम है वो लगता है, तो फिर वो भारतीय या फिर गुजराती कैसे, ये हमारे मन में प्रश्न उठता है। तो सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, यानी कि सुनीता का जो जन्म है वो भारत में नहीं हुआ है, उनका जन्म है वो अमेरिका में हुआ है, परंतु उनके जो पिताजी हैं वो भारत के मूल हैं, उनका मूल है वो गुजरात से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उनके पिताजी हैं उनका जन्म गुजरात में हुआ था। उनके पिताजी का नाम था दीपक भाई पंड्या, के जो महसाणा जिले के जुलासन गाँव में उनका जन्म हुआ था, कि उन्होंने आधी से ज़्यादा जिंदगी है वो गुजरात में बिताई थी, कि उन्होंने माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा गुजरात में ही उन्होंने प्राप्त की थी, के डॉक्टरी सेवा देने के बाद 1960 में वो सदा के लिए अमेरिका चले गए, यानी कि आधा जीवन उन्होंने गुजरात में बिताया, बाद में 1960 में वो अमेरिका चले गए हमेशा के लिए, कि वे मैसाचुसेट्स के कालमाउट में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। मैसाचुसेट्स अमेरिका का एक राज्य है और कालमाउट वहाँ का एक शहर है, वहाँ पर दीपक भाई पंड्या क्या है, न्यूरोसर्जन है। न्यूरोसर्जन न्यूरोसर्जन का अर्थ होता है मस्तिष्क की जो बीमारी होती है उनकी सर्जरी करना, उसका सर्जन करना, कि मस्तिष्क की सर्जरी करने वाला जो डॉक्टर होता है उसको न्यूरोसर्जन कहते हैं। करने वाला चिकित्सक कि मस्तिष्क में कुछ बीमारी हो कि उनकी सर्जरी करने वाला जो डॉक्टर होता है, जो चिकित्सक होता है, उसको कहते हैं न्यूरो सर्जन। तो अमेरिका में एक राज्य में कालमाउट शहर में वो प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन थे, कि उन्होंने उर्सबाइन बोनी नामक युगोस्लाविया युवती से शादी की। युगोस्लाविया यानी कि युगोस्लावियन जो देश है उसकी जो नागरिक होते हैं उसको युगोस्लावियन कहते हैं, कि उनसे उन्होंने शादी की। पिता दीपक पंड्या और माता उर्सबाइन के तीन संतानें हुई, जय, दीना और सुनीता, उसमें सुनीता है वो सबसे छोटी थी। अब ये तीन संतानों में सुनीता सबसे छोटी थी, इसलिए सबसे वो चहेती भी थी। तो यहाँ पर अब उनका जन्म जानते हैं कि सुनीता का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो सुनीता का जन्म 19 दिसंबर 1965 को ओहियो अमेरिका में उनका जन्म हुआ था, कि अमेरिका में जो एक शहर है ओहियो वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। ये लिखना हो तो लिख लेना, प्रश्न पूछा जाता है एक वाक्य में कि सुनीता का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो सुनीता का जन्म 19 दिसंबर 1965 को ओहियो अमेरिका में उनका जन्म हुआ था। मुक्त वातावरण में पली थी, मुक्त यानी कि आज़ाद वातावरण में पली थी, इसीलिए उसके अंदर साहसिक वृत्तियाँ हैं वो उभर सकी। वृत्ति यानी कि मन के भाव, के ऐसे साहसिक वृत्तियाँ उभर सकी जिनके कारण सुनीता बचपन से ही ऐसे साहसिक पराक्रम करने लगी, जैसे कि दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुविद्या जैसे साहस भरे खेलों में वो भाग लेती रही। यह भी आपको प्रश्न पूछा जाता है कि सुनीता बचपन में कौन कौन से खेलों में भाग लेती थी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि स्नोबोर्डिंग, धनुविद्या, दौड़, घुड़दौड़, बाइकिंग, इतने सारे खेलों में वो भाग लेती थी, कि वह मेहनती थी और शिक्षक की चहेती भी थी,
कि शिक्षक की वो काफ़ी चहेती थी, यानी कि प्रिय थी, और मेहनत करने वालों में भी थी वो, कि घर वाले उसे प्यार से सुन्नी कहते थे, कि निकनेम जिसे हम कहते हैं, घर में हर एक का कोई एक निकनेम होता है, प्यार से बुलाने वाला जो नाम होता है। तो यहाँ पर भी सुनीता का एक निकनेम, उनके घर वाले उसको सुन्नी कहकर पुकारते थे। कि 6 साल की सुन्नी ने अमरीकी यात्री नील आर्मस्ट्रांग को चांद की धरती पर उतरते हुए देखा था। कि नील आर्मस्ट्रांग के जिसने धरती पर कदम रखा था उस समय जो सुनीता की उम्र थी 6 साल की, तो उन्होंने उस टीवी पर देखा, तो जब उन्होंने देखा तब से उन्हें ऐसी एक इच्छा हो गई कि मैं भी कुछ ऐसा ही करके दिखाऊंगी। कि ऐसा चित्र देखकर उनके अंदर एक उत्तेजना जागी, एक तीव्र इच्छा जागी कि मैं भी उसकी तरह कोई एक ऐसा कार्य करूंगी। कि नील आर्मस्ट्रांग को चांद की धरती पर उतरते देखा तब से मन में उन्होंने निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। कि बचपन का संकल्प उसने साकार किया कि उसकी हाई स्कूल की शिक्षा भी मैसाचुसेट्स में हुई। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी मैरीलैंड से उन्होंने भौतिक विज्ञान में उन्होंने स्नातक किया। स्नातक यानी कि 12वीं कक्षा के बाद 3 साल की पढ़ाई करने पर मिलने वाली उपाधि, उसको कहते हैं स्नातक। फिर बाद में परास्नातक किया। परास्नातक यानी कि कॉलेज पूरी करने के बाद 2 साल की और पढ़ाई करते हैं तो जो हमें पदवी प्राप्त होती है, जो हमें उपाधि प्राप्त होती है, उसको हम कहते हैं परास्नातक। तो इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में उन्होंने किया। इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी में व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। इसके बाद नेवी में अधिकारी के रूप में एविएशन ट्रेनिंग कमांडर पद पर अमेरिका के कमीशन अधिकारी बेसिक डिवाइंडिंग ऑफिसर के द्वारा उन्होंने वो कार्य किया। नेवी जो हम कहते हैं कि जल सेना जिसे हम कहते हैं, सफ़ेद वर्दी वाले आपने देखा होगा कि पूरी वर्दी जो यूनिफॉर्म होता है वो सफ़ेद होता है, तो नेवी के लोग जो होते हैं, जो जल सेना जो होती है, जो जल में जो सीमा जो होती है उनकी सुरक्षा करते हैं, तो वहाँ पर भी उन्होंने वह कार्य किया है। कि एक अधिकारी के रूप में एविएशन ट्रेनिंग कमांडर पर अमेरिका के कमीशन अधिकारी बेसिक डिवाइंडर ऑफिसनल नेवल एविएशन ट्रेनिंग का उन्हें पद मिला था। कि हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। कि हेलीकॉप्टर अगर आप अंतरिक्ष यात्री बनना चाहते हैं तो पायलट भी आपको बनना पड़ता है, ऐसे अंतरिक्ष यात्री नहीं है कि चलो अपना बैग है वो पैक करके सीधे चले जाएं, उसके लिए काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है, इसलिए उन्होंने हेलीकॉप्टर का प्रशिक्षण भी उन्होंने प्राप्त किया। प्रशिक्षण यानी कि तालीम। के प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट का कोर्स के लिए चयनित किया गया, पायलट का कोर्स, और ये उन्होंने प्रथम कदम माना कि पायलट बनने के बाद ही आप अंतरिक्ष में जा सकते हैं। तो पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया, पायलट बनने की सिद्धि को उन्होंने प्रथम कदम माना कि अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए उन्होंने यह पायलट बनना है, वो उसका प्रथम कदम उन्होंने माना। कि अंतरिक्ष पर जाने की उन्हें तीव्र इच्छा थी, इसीलिए वो नासा गई थी, कि इसीलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। आपको ये प्रश्न पूछा जाता है कि सुनीता चावला नासा क्यों गई, सुनीता विलियम्स नासा क्यों गई, क्योंकि उन्हें अंतरिक्ष में जाने की तीव्र इच्छा थी, इसीलिए वो नासा गई। कि तब से आज तक सुनीता है वो नासा में कार्यरत है। कि 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में उसका चयन हुआ, चयन यानी कि चुनाव हुआ उसका। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट हैं, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। दुनिया में बहुत सारे वैज्ञानिक है, पायलट है, लेकिन अंतरिक्ष यात्री केवल 100 ही है। कि सुनीता ने खास मित्र और सह अध्याय यानी कि साथ में पढ़ने वाला विद्यार्थी मित्र, आपके साथ जो भी विद्यार्थी पढ़ता है ना वो आपका सह अध्याय है, यानी कि साथ में अध्ययन करने वाला, साथ में पढ़ने वाला। तो सह अध्याय माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। ये आपको प्रश्न पूछा जाता है कि सुनीता पंड्या सुनीता विलियम्स कैसे बनी, तो सुनीता पंड्या अपने खास मित्र, अपने सह अध्यायी माइकल विलियम्स के साथ शादी करने पर सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। ये 2 मार्क में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। कि सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में
कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया कि जो कल्पना चावला का जो कार्य था उनको देखकर उन्हें प्रेरणा मिली सुनीता विलियम्स को, तो ये स्रोत उन्हें वहां से मिला। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली। राहत की सांस क्यों ली? इसलिए क्योंकि जब कल्पना चावला जब वापस आ रही थी तब दुर्घटना हो गई, तो उनका वो विचार आ गया कि यहाँ पर सुनीता विलियम्स भी गई है वहाँ पर अंतरिक्ष में, और वह भी जब वापस लौटेगी तो मन में डर रहता है कि कहीं ऐसी दुर्घटना सुनीता विलियम्स के साथ ना हो जाए। लेकिन ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई और वो सफल वापस लौटी, तो लोगों ने राहत की सांस ली कि हमारी भारत की मूल दूसरी जो अंतरिक्ष यात्री वो सुरक्षित धरती पर लौट आई है। कि उसकी वापसी के समय उसने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था, कि नासा में सुनीता विलियम्स से वो कल्पना चावला के साथ उन्होंने कार्य भी किया था, तब उन्होंने कहा कि बेहद सुखद अनुभव उन्हें मिला था। कि हम दोनों की रुचि काफी अलग थी, रुचि रुचि का दूसरा दिलचस्पी, रुचि होना दिलचस्पी होना, कि दोनों की रुचि पसंद हम कह सकते हैं कि दोनों की जो दिलचस्पी थी वो काफी अलग थी। लेकिन भारतीय होना उन्हें एक सूत्र में पिरोता था, कि दोनों भारतीय इसलिए एक सूत्र में पिरोता था। ये भी एक मुहावरा है, एक सूत्र में पिरोना। एक सूत्र में पिरोना यानी कि सबको साथ में रखना। विद्यार्थी में तो आपने माला देखी होगी, मोतियों की माला, उसमें जो मोतियों की माला है उसको एक साथ रखा जाता है, तो सबके साथ रखना। तो देखो एक सूत्र में पिरोना, तो दोनों भारतीय ही थी इसलिए उनको ऐसा लगता है कि सबको साथ में रखना, जितने भी भारतीय है वो एक समान है, इसलिए उसको कहते हैं कि सबको साथ में रखना। कि दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था, बहुत बेहद यानी कि ज़्यादा लगाव था। कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, ऐसा सुनीता कहती है कि कल्पना से उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया, कि नासा के लिए पसंद किया गया उन्हें कि वो नासा में आए। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया, कि अंतरिक्ष यात्रा पर जाना हो तो ऐसा ही नहीं होता, उसके लिए प्रशिक्षण देना पड़ता है, क्योंकि धरती पर जो वातावरण होता है और अंतरिक्ष पर जो वातावरण होता है उनमें काफ़ी फर्क होता है। कि वहाँ पर हम जैसे चल फिर रहे हैं ऐसे आराम से चल फिर नहीं सकते हैं, यहाँ पर जैसे हम खा पी सकते हैं वहाँ पर ऐसे खा पी नहीं सकते हैं, यानी कि काफ़ी अलग है वहाँ पर रहना। तो उसके लिए तालीम लेनी पड़ती है, कि वहाँ पर रहने के लिए पहले से तैयारी करनी पड़ती है। जैसे हम कहीं पर घूमने जाते हैं तो हम कैसे तैयारी कर लेते हैं, साथ में खाना ले लेते हैं, साथ में कपड़े ले लेते हैं, साथ में ऐसे कई जरूरी चीज़ें भी ले लेते हैं। तो वहाँ पर भी जाना और वहाँ पर रहना वो आसान नहीं है, इसके लिए वहाँ पर तालीम दी जाती है, तालीम यानी कि ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है। वो प्रशिक्षण में आप पास होते हो तभी आपको वहाँ पर अंतरिक्ष यात्रा में आपको जाने मिलता है, अंतरिक्ष पर जाना मिलता है। तो यहाँ पर कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार होगी, वहाँ पर कड़ा प्रशिक्षण उसको दिया गया। कि सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है, वहाँ पर जो जिंदगी है वो धरती पर जीना ऐसा नहीं है, आसान नहीं है, काफ़ी कठिन है। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है, कि वहाँ पर हम जानते हैं जो चीज़ें होती वो हवा में तैरती है, कि खाना भी है वो भी हवा में तैरता है, पानी है वो भी हवा में तैरने लगता है। तो वहाँ पर खाना पीना और नहाना और रहना वो काफ़ी मुश्किल है, वहाँ पर आसान नहीं है, इसलिए कहते हैं कि वहाँ पर जो है सब कुछ कठिन है, खाने से लेकर नहाने तक। वहाँ पर वे नहाते नहीं हैं, हम यहाँ पर जैसे नहाते हैं ना फवारे में नहाते हैं, तो वहाँ पर ऐसे नहीं नहाया जाता है, वहाँ पर तो एक जो टोलिया होता है उसको भिगाया जाता है, फिर उसको शरीर को पोंछ दिया जाता है, ऐसे वो नहाते हैं। तो वहाँ पर हमारे तरह यहाँ पर जो पानी में नहाते हैं इस तरह से वहाँ पर नहीं नहा सकते हैं। खाना भी हम वहाँ पर जो खाते हैं तो वहाँ पर भी पकड़ना पड़ता है, नहीं तो वो हवा में उड़ जाता है।
कि लौटने में मुश्किली होती है, कि जिस जगह पर दूसरी जगह पर जाना हो तो वहाँ से वापस आना हो तो भी मुश्किली होती है, क्योंकि आप वहाँ पर हवा में तैरते रहते हैं। कि सुनीता विलियम्स का देखना, एक वीडियो यूट्यूब में भी है, वहाँ पर बताया जाता है, यूट्यूब में अगर आप देखो ना सर्च करके कि स्पेस स्टेशन सुनीता विलियम्स, तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि उसमें किस प्रकार के वो रहते हैं, कि उनके बाल है वो ऊपर रहते हैं, जिनके लंबे बाल हो तो बाल हवा में ऊपर रहते हैं। तो ये वहाँ पर बताता है कि वहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो नहीं है, धरती पर है गुरुत्वाकर्षण बल, जिनके कारण जितना भी ऊपर जाए वो वापस नीचे आ जाएंगे, लेकिन वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, जिनके कारण सभी चीजें हैं वो हवा में तैरती है। तो लौटने में मुश्किली होती है, आरंभ में चलने फिरने में भी दिक्कत होती है, चलने फिरने में भी क्या होती है, दिक्कत होती है, परेशानी होती है। यहाँ पर हम जैसे मजे से चलते हैं, वहाँ पर मजे से नहीं चल पाते हैं, वहाँ पर आपको वो भी प्रशिक्षण दिया जाता है कि कैसे चलना है, तो वो काफ़ी कठिन होता है। कि हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, हमारी जो हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, इसलिए वहाँ पर हमें एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है। कि वहाँ का वातावरण ऐसा होता है कि हमारी जो हड्डियाँ होती हैं वो कमज़ोर हो जाती है, तो वहाँ पर भी कसरत करनी पड़ती है। कि दिमाग तैयार होने में समय लगता है, हमारा जो दिमाग है वो तैयार नहीं हो पाता है, क्योंकि चलने में आप ऐसे टेढ़े हो जाते हो, हवा में उड़ने लग जाते हो, तो आपका दिमाग है वो संतुलित नहीं हो पाता है, तो दिमाग भी समय लेता है तैयार होने के लिए। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया था, अंतरिक्ष यानी कि आकाश, आपको ये बार के अंतरिक्ष यानी क्या, तो अंतरिक्ष का अर्थ होता है अवकाश और आकाश, तो उसके लिए उन्होंने अपने आप को तैयार किया। वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान भी रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। कि अगर आप अंतरिक्ष यान से जाते हैं, वो आपने देखा होगा कि एक स्पेस शटल जो होता है वह अंतरिक्ष पर जाता है और वापस वो धरती पर भी आता है, तो उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। जैसे हम चलो कोई गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, बीच में अगर कुछ खराबी आ जाए तो हमें उसको सही समय, कुछ तो प्राथमिक जो तैयारी होती है वो हम कर सकते हैं। मैकेनिक का काम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन समझ लो कि टायर पंचर हो गया तो वो हम बदल सकते हैं, तो ये हमें आता होगा तभी हम बदल पाएंगे ना। उसी तरह से अगर जब हम अंतरिक्ष यात्रा में जाते हैं तो वहाँ की सभी तैयारी आपको आनी चाहिए, तो उसके लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। तो यह कार्य सुनीता विलियम्स के साथ भी हुआ, उन्होंने रूस में ऐसे वैज्ञानिक के जो व्याख्यान है उन्होंने वो सुने, अंतरिक्षयान के बारे में कार्यक्रम में उन्होंने वो जाना। फिर कहते हैं कि उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाला भारहीनता से स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। गोताखोरी, गोताखोरी यानी कि पानी में गोता लगाना, आपने गुजराती में कही ना मरजीवो, मरजीवो शू करे समुद्र ने ऊंडाई सुधी जाए ने त्यांती मोती काढ़ी आवे, तो ऊंडाई सुधी जाऊ उसको कहते हैं हिंदी में गोताखोर। कि गोताखोर जब वो पानी में जाता है अंदर, तो जितना पानी के अंदर जाता है तो अपना जो वजन है वो नहीं होता है ऐसा महसूस करती है, भारहीनता, अपने भारहीनता का हमें महसूस होता है। तो स्पेस में भी बिल्कुल वैसा ही होता है कि अपना जो वजन है, जैसे हमारे अंदर कुछ है ही नहीं, फूल के माफर हम हवा में उड़ते हैं, तो उस समय अगर हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, तो आपको वहां पर रहना काफी कठिन हो जाता है, इसलिए यह भी सीखने को मिलता है। कि स्पेस वॉक, स्पेस वॉक यानी कि स्पेस में चलना, के पेश कदमी कदम चलना, तो वहां पर हवा में चलना, तो वो भी आपको उसमें सीखने को मिलता है। तो अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियां और मुश्किलों के बारे में जाना, वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो गई थी। के खतरों से खेलना ये मुहावरा है, अर्थ क्या होगा, खतरों से खेलना, खतरों से खेलना यानी कि भयावह, परिस्थितियों का सामना होना। परिस्थिति का सामना होना। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ तक हम रखते हैं, बाकी का जो है वो हम अगले वीडियो में समझाएंगे पाठ। तो यहाँ तक हम पाठ आपको पढ़ लेना है, आगे का भी पाठ आपको पढ़ लेना है।
क्योंकि थोड़ा सा पाठ हमारा बाकी रह जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि हमने जितना पढ़ा है वो हम अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ लें। तो हमारे YouTube चैनल में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वापस फिर से मिलेंगे हमारा जो अधूरा पाठ है उसको पूरा करने के लिए। जय श्री स्वामीनारायण।